नमस्कार बोकारो। पिछले दिनों हुए लूट की दो घटनाओं को बोकारो पुलिस ने किया उद्भेदन। एयरगन, चाकू और लूट के मोबाइल और पैसे के साथ दो अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना और पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र का था मामला। घटना के बारे में बताते चले कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र सोलागी डी के एक नर्सिंग होम में मोबाइल की छिनतई हुई थी। वहीं पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट से 10,000 रुपये और मोबाइल छीन ली गई थी। एयरगन के सहारे अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया था, जिसका उद्भेदन करते हुए चास एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। छापेमारी करके दो अलग अलग घटनाओं में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमाणिक दत्ता नर्सिंग होम लूट कांड का आरोपी था और सैयद जो रेस्टोरेंट के लूट कांड का आरोपी था, दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दिया। घटना के बारे में बताते हुए चास एसडीपीओ ने कहा कि दोनों अपराधी का अपराध का पुराना रिकॉर्ड रहा है और यह अपराधी चास के ही रहने वाले हैं और पहले भी कई घटनाओं में जेल जा चुके हैं। अब पुलिस इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। घटनाएं हुई थी जिसमें से एक पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के पैराडाइज होटल में काउंटर से करीबन 10,000 रुपये की लूट और कोल्ड ड्रिंक की लूट हुई थी, और दूसरी घटना थी आशा शशि अस्पताल सोलागीडी चास से, जहां पर दो मोबाइल लूटा गया था। इन दोनों घटनाओं का सफल उद्भेदन चास पुलिस के द्वारा किया गया है और इसमें कुल अभी दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लूटा गया 9,700 रुपया, एक घटना में प्रयुक्त एयरगन, चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हेलमेट और इसके अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन जो लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। तो क्या इन अपराधियों ने एयरगन के सहारे पैसे लूट लिए? जी, इन्होंने चाकू और एयरगन के माध्यम से पैसा का लूट किया था, पैसा और मोबाइल का लूट अलग अलग स्थानों पर किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई सर? कुल अभी दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसके अन्य साथियों की और उसके संबंध में छापामारी की जा रही है। सर, पास्ट कोई हिस्ट्री? जी, इनका आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें धनंजय दत्ता पूर्व में जेल जा चुके हैं 342-13 चास थाना से, और इसके अतिरिक्त आपका सैयद जो है वो भी आपका 72-2020 में चोरी के केस में जेल गया है, 95-2020 वो भी चोरी के केस में जेल गया है, और 69-2015 BSCT यहाँ से भी वो जेल जा चुका है। तो दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, दोनों शातिर चोर हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? धनंजय रहने वाला है आपका अंसारी मोहल्ला चास का, और सैयद जो है वो मुस्लिम मोहल्ला चास का रहने वाला है। Thank you.